नमस्कार, आइए आपको ले चलते हैं इस वक्त की कुछ खास ताजा अपडेट्स की ओर। तिरुपति के बाद अब यूपी के मंदिरों में क्यों मच रहा है बवाल, जानिए पूरा मामला। प्रसाद में मिलावट का मुद्दा अब यूपी के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के प्रसाद तक पहुंच गया है। आरोप है कि वृंदावन में प्रसाद बनाने के लिए खराब क्वालिटी के खोए का यूज हो रहा है। वहीं मथुरा में मिलने वाले पेड़ों पर भी सवाल उठता देखकर बीजेपी ने लोगों और विरोधी दल से भ्रम न फैलाने को कहा है। अभिनेता अल्लू अर्जुन पर यौन शोषण का आरोप, पुष्पा टू के मेकर्स ने खोली पोल। तेलुगु फिल्मों के कोरियोग्राफर जानी मास्टर पर एक नाबालिग लड़की ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला ने कई सालों तक इस उत्पीड़न को सहा। वहीं अब अल्लू अर्जुन का नाम भी इस मामले में जुड़ने से हंगामा मच गया है। इस मामले पर अल्लू अर्जुन को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, इसे लेकर उन्होंने कहा है कि अल्लू अर्जुन का सेट पर किसी से कोई लेना देना नहीं है। अयोध्या कोका कोला फैक्ट्री में कलावा विवाद, हिंदू समुदाय आक्रोशित। अयोध्या में कोका कोला फैक्ट्री में कर्मचारियों का कलावा पहनने पर रोक लगाने से विवाद खड़ा हो गया है। 24 सितंबर को फैक्ट्री प्रबंधन ने आदेश जारी किया कि कोई भी कर्मचारी कलावा बांधकर फैक्ट्री में प्रवेश नहीं करेगा। इसे लेकर हिंदू समुदाय में आक्रोश है और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किरोड़ी लाल मीणा ने आरएस 2018-2021 परीक्षा की सीबीआई की जांच की मांग। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आरएस 2018-21 की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दीपक उप्रेती, शिव सिंह राठौर और संजय कुमार क्षत्रिय पर संदिग्ध भूमिका का आरोप लगाया है। मीणा ने कहा कि सरकार निष्पक्ष जांच करे तो ये साबित होगा कि कई अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र बांट दिए गए थे। जेपी नड्डा के बाद भाजपा का अध्यक्ष कौन, रेस में है 8 लोगों के नाम। जेपी नड्डा के बाद भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक सुनील बंसत, केशव प्रसाद मौर्य, अनुराग ठाकुर, बीएस संतोष के लक्ष्मण, संजय जोशी के नामों पर चर्चा की जा रही है। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव होंगे और 50% राज्यों में संगठन चुनाव होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। क्या भारत को धोखा दे रहा है यूएस, अमेरिका का दोहरापन हुआ उजागर। अमेरिका भारत के साथ दोहरा खेल खेल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है तो दूसरी तरफ भारत विरोधी खालिस्तानियों से बातचीत कर रहा है। इस समय राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे। अमेरिका खालिस्तानियों को पनाह देकर भारत को नियंत्रित करने की भी कोशिश कर रहा है। पेजर और वॉकी टॉकी के बाद अब रेडियो सिस्टम हैक, लेबनान में छाया दहशत का माहौल। पहले पेजर, वॉकी टॉकी और फिर सोलर एनर्जी सिस्टम में ब्लास्ट के बाद अब लेबनान में रेडियो सिस्टम हैक होने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि अचानक वहां के रेडियो नेटवर्क पर इजराइल का मैसेज सुनाई देने लगा। इसमें लोगों को हिजबुल्ला के इलाके खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा, साथ ही लोगों को तुरंत अपने घरों को छोड़ने की चेतावनी दी गई। जानिए किस फैसले पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने जताई रजामंदी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में बंबई उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी। इस समारोह में सीएम एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद रहे। सीजीआई ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपनी पूरी काम स्वतंत्रता से करते हैं, लेकिन जब भी बात बजट और बुनियादी ढांचे की आती है तो हम सरकार के साथ खड़े होते हैं। व्यापम घोटाला, सुप्रीम कोर्ट का सरकार और सीबीआई को नोटिस और फिर से घिर गए शिवराज सिंह चौहान। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले की जांच में हुई गड़बड़ी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार और सीबीआई को नोटिस भेजा है। ये कार्रवाई पूर्व विधायक पारस तकलेचा की याचिका पर हुई है। उन्होंने 2009 में शुरू हुए घोटाले की जांच में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।